आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंसेप्ट विद रोहित एट द रेट पर। तो हमारी सीरीज जीरो टू हीरो जो चल रही है उसमें हमने अब तक प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज और साथ ही स्क्वायर निकालना 1 to 100 और अब नंबर सिस्टम की सीरीज चल रही है जिसके नंबर सिस्टम के पार्ट टू तक हमने अपलोड कर दिया है। तो पार्ट थ्री बहुत ही जल्द अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारी सीरीज है जीरो टू हीरो, ये सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हैं। कोई भी बच्चा किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, ठीक है, या किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हो, उन सभी के लिए ये सीरीज़ है। सभी के एग्ज़ाम्स में के एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से ये बनाई जा रही है, सबके लिए ये हेल्पफुल साबित हो रही है और होगी। आप कहीं पर भी तैयारी करोगे, किसी इंस्टीट्यूट में जाके कोचिंग लोगे, तो कोई भी आपको इतने बेसिक से नहीं कराएगा, क्योंकि वो सबको लेके चलते हैं। 50-100 बच्चों की क्लास रहती है, उसमें सबको वो लेके चलते हैं, सबका सेम लेवल ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक जीरो लेवल का जो बच्चा होता है उसके अकॉर्डिंग कराया जाता है, एक एक चीज़ समझाई जाती है। अगर कोई चीज़ कट भी हो रही है तो कैसे कैलकुलेशन को कट किया है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा, आज बस नवोदय वाले बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूँ। नवोदय स्कूल के बच्चों के लिए है स्पेशल वीडियो बनाई गई है कि वो फ्री मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं। मॉक टेस्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही वो कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी स्टडी में, हमारे एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, SSC कर रहा हो, बैंकिंग कर रहा हो, नवोदय की कर रहा हो, सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहा हो, A to Z किसी भी CTET की कर रहा हो, KBS की कर रहा हो, किसी भी चीज़ की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, तो मॉक टेस्ट लगाने से ये होता है, बच्चे को पता चलता है कि उसका लेवल कहाँ है और वो कितने एग्ज़ाम कितना स्कोर कर रहा है एग्ज़ाम में, ठीक है। और क्योंकि जो मॉक टेस्ट होता है ये मान लो कि वो एक टाइप का एग्ज़ाम ही होता है, एग्ज़ाम लेवल को टच करते हैं मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ही ध्यान से बनाए जाते हैं और बहुत ही मतलब लेवल से होते हुए गुजरता है। एक इंसान बनाता है तो फिर तब जाके दूसरा बंदा उसे चेक करता है, तीसरा बंदा है उसे चेक करता है, तब जाके एक मॉक टेस्ट एक कंपनी बनाती है, कंपनी कह लो या फिर कोई भी मॉक टेस्ट प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन कह लो, ठीक है। तो अभी आज हम बताते हैं नवोदय एग्ज़ाम के जो बच्चे हैं, नवोदय के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कहाँ से मॉक टेस्ट लगाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एक भी रुपये किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है। बिना किसी रुपये को पे करे आप क्या कर सकते हो, आप ये जान सकते हो कि आपका एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ठीक है। सबसे पहले सभी बच्चों को एक OMR शीट, एक क्या मतलब बहुत सारी OMR शीट फोटो कॉपी करके रख लेनी है अपने पास, ताकि अब जहाँ से मैं बता रहा हूँ वहाँ से आप मॉक टेस्ट लगाओ और उस OMR शीट में फिल करते हुए चलो, और लास्ट में आखिरी में आके अपने आंसर की को खुद से चेक कीजिए। ईमानदारी से करोगे तो आपके लिए ही बेनिफिट है, बाकी बेईमानी तो आप कर ही सकते हो कि मतलब गलत हो रहे उन्हें भी सही कर लो और फिर मार्क्स बता दो अपने, मेरे इतने ज़्यादा मार्क्स आए। तो एकदम ईमानदार रहो, क्योंकि अभी की ये जो ईमानदारी है, अभी मान लो कम मार्क्स भी आते तो आपको इम्प्रूव करने का आपके पास टाइम है, मगर जब एक बार एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद इम्प्रूव करने के लिए आपके पास कोई भी टाइम नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम लोगों को जो भी बच्चा मॉक टेस्ट लगा रहा है नवोदय एग्ज़ाम का या किसी भी एग्ज़ाम का, कोई भी बच्चा कभी भी मॉक टेस्ट लगाता है, तो आपको एकदम ईमानदारी के साथ रहना है और मॉक टेस्ट लगाइए आप। जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ, तो मॉक टेस्ट कैसे लगाएंगे, आप लोग गूगल पे आप टाइप कीजिए नवोदय। देखो मेरे में तो आ ही रहा है क्योंकि मैं करता रहता हूँ, मगर मैं पूरा बता रहा हूँ नवोदय क्या करोगे। नवोदय स्टडी डॉट कॉम को सर्च कीजिए, ठीक है। सर्च करोगे तो ये आएगा, ये उनका होम पेज है, ठीक है। तो नवोदय विद्यालय समिति JNVST, नवोदय मॉडल पेपर, JNB ओल्ड पेपर बता रहा है इसके अंदर क्या क्या है। JNB टिप्स टिप्स पोस्ट एंड न्यूज़, नवोदय मॉक टेस्ट, नवोदय विद्यालय समिति जो है जो ऑर्गेनाइज करती है नवोदय एग्जाम्स को, तो बता रहा है वो क्या क्या है। मॉडल पेपर भी है इसमें, ओल्ड प्रीवियस पेपर भी है और इसमें मॉक टेस्ट भी है। अब आप लोगों को कहाँ से क्या क्या लगाना है वो मैं बता देता हूँ। तो देखो सबसे पहले क्या है, नवोदय मॉक टेस्ट है इसमें, ठीक है।
नवोदय मॉक टेस्ट पर भी जाएंगे, कैसे करेंगे, नवोदय मॉडल पेपर है, नवोदय ओल्ड पेपर है, नवोदय के जितने भी ओल्ड पेपर्स हुए हैं वो सब हैं, नवोदय की वेब सीरीज़ है, आखिर उसमें क्या है वेब सीरीज़ में वो दिखाऊंगा, नवोदय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवोदय में आए हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हैं, नवोदय की 26 OMR सीट है, यानी अगर किसी बच्चे पे OMR सीट नहीं है तो वो यहाँ से OMR सीट को डाउनलोड कर सकता है। 26 टाइप्स की हैं, कोई 100 वाली OMR सीट है, 100 क्वेश्चन की, कोई 80 क्वेश्चन वाली OMR सीट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की OMR सीट है। नवोदय के नोट्स हैं, ठीक है, नवोदय कुछ बच्चों के लिए नोट्स हैं, और ये है ब्लॉक पेज, ब्लॉक पेज में ये रहता है नवोदय के बारे में टिप्स दे के रखता है एग्जाम से रिलेटेड। इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। वन बाय वन मैं हर चीज़ का यूज़ करना बताऊंगा, ये जितने भी इन्होंने वो दे रखे हैं कॉलम दे रख रो दे रखी है, और जिनमें भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जितने भी हैं सबको बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो वीडियो कोई कुछ लंबी हो जाएगी मगर उससे आपको वो नहीं करना, अगर कोई बच्चा हल्का सा देख के स्किप करके देखेगा तो उसको कुछ भी जानने के लिए नहीं मिलेगा और वो बहुत ही ज़्यादा बाद में रिग्रेट करेगा। किस तरीके से देखो, मॉक टेस्ट कोई भी लगा लेता है मगर किस तरीके से लगाना है इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे नवोदय मॉक टेस्ट पे, नवोदय मॉक टेस्ट पे गए तो अब जब नवोदय मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है, तो जब नवोदय मॉक टेस्ट पे जाओगे तो नवोदय के एग्ज़ाम में तीन वो आती हैं, क्या कहते हैं, तीन लैंग्वेज आती हैं, ठीक है, तीन लैंग्वेज कह रहा हूँ सॉरी, तीन सेक्शन आते हैं, एक आता है मैथ, एक आता है रीजनिंग और एक आती है लैंग्वेज टेस्ट लैंग्वेज, ठीक है। तो जो रीजनिंग होती है उसको हम कहते हैं मेंटल मैथ एबिलिटी मॉक टेस्ट, मेंटल मैथ एबिलिटी, क्या कहते हैं, मेंटल एबिलिटी। और जो लैंग्वेज आती है उसमें टू टाइप्स की लैंग्वेज है, कोई बच्चा हिंदी फील करता है तो हिंदी, इंग्लिश फील करता है तो इंग्लिश, ठीक है। तो देखते हैं, अब आप मैथ के मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, आप ये देखना चाहते हो आप में आपका मैथ का लेवल कैसा है, तो आपको मैंने एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, दोबारा से सब कुछ अगेन, नवोदय study.com डाल दिया आपने और यहाँ पे सर्च कर दिया, फिर आया ये, तो इस फर्स्ट पेज आया, फर्स्ट पेज में नवोदय मॉक टेस्ट आपने सेलेक्ट किया यानी क्लिक किया। नवोदय मॉक टेस्ट पे क्लिक करने के बाद फिर ये तीन ऑप्शन आए कि मैथ का मॉक टेस्ट लगाना है या मेंटल एबिलिटी मॉक टेस्ट लगाना है या लैंग्वेज मॉक टेस्ट लगाना है, तो आपको मैथ का लगाना है। अच्छा, एक और बात, आपको हिंदी में लगाना है हिंदी में लगाओ, इंग्लिश में लगाना है इंग्लिश में लगाओ, दोनों चीज़ों में आपके लिए प्रोवाइड कर रखा है इन्होंने, बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट नहीं है ये, मैं आपको बता रहा हूँ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है, जिसने जिनकी भी है तो बहुत ही बढ़िया वो कहते हैं इनिशिएटिव है उनका कि बच्चों की प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहे ये, और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बच्चों के बारे में इतना कुछ सोचा। तो आप चलो मैथ मॉक टेस्ट पे, जब आप मैथ मॉक टेस्ट पे जाओगे तो देखो कितने सारे मैथ मॉक टेस्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कितने सारे, 70 मॉक टेस्ट, और एक मॉक टेस्ट में आई थिंक कितने क्वेश्चन है देख लेते हैं, 10 10 क्वेश्चन है। अब देखो एक मिनट मैं देख लेता हूँ, इससे आप अपना लेवल चेक कर सकते हो, समझ रहे हो, ये है 10 क्वेश्चन, कितने हैं 10 क्वेश्चन। अगर आप लोग कहोगे तो मैं डेली खुद एक मैथ का मॉक टेस्ट सॉल्व कर दिया करूँगा, जिससे आपको समझ और आपको समझा के क्वेश्चंस को, ठीक है, आज तो नहीं कर रहा हूँ फिलहाल मैं सॉल्व, ठीक है, आपको बस मैं ये समझा रहा हूँ कि आप कैसे लगाओगे, ठीक है। तो ये देखो टाइमिंग आ रही है 20 मिनट्स की, 20 मिनट्स में आपको मॉक टेस्ट लगाना है मैथ का, ठीक है। आपकी लैंग्वेज क्या है वो देख लेते हैं, अगर आपको हिंदी में लगाना है तो हिंदी में लगा लो, हिंदी एग्जाम के जो बच्चे हैं जिन्होंने हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करके ना उधर, अगर किसी बच्चे ने इंग्लिश लगा रखा है तो आप इंग्लिश में लगा लो, तो इंग्लिश में लगा लो, समझ में आया। और अगर कोई बच्चा, अब क्या है ये जो लैंग्वेज वाइज आ रहा है हर स्टेट में, अब जो जो लैंग्वेज है, गुजराती में लगाना है, मराठी में लगाना है, बंगाली में लगाना है, जिसमें लगाना है उसमें लगा लो, जिसमें आपको सुटेबल लगे, तो देख लेंगे। कोई बच्चा जैसे हिंदी में, तो ये आकृति ए का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, तो आकृति बी का वो वहाँ पे मिस हो गया, चलो ये वाला, एक वायुयान चेन्नई से अमेरिका के लिए सोमवार को इतने बजे उड़ान भरा, अमेरिका मंगलवार को इतने बजे पहुंचता है, वायुयान को चेन्नई से अमेरिका पहुंचने में कितना समय लगा बताओ, एक व्यक्ति ने अपनी साइकिल इतने परसेंट हानि पर बेची और इतने रुपये में बेची, यानी कि सेलिंग प्राइस बताया और आपको लॉस परसेंटेज भी बताया, तो कॉस्ट प्राइस आपको बताना है या नहीं, आसान 6/20 दे रखा है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ये वाला करना है, ये करना है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और सेम यही लेवल आएगा, और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इंग्लिश लेवल पे आ जाओ, इंग्लिश में आ जाओ, ये देखो है ना ईजी, तो ये है। आगे चलते हैं,
अब चलते हैं, आप मान लो आप 10 मॉक टेस्ट 10 लगाते हैं, मॉक टेस्ट 10 में भी फिर यही सेम प्रोसेस है, हिंदी में लगाना है हिंदी में। अच्छा 10 के 10 क्वेश्चन सेलेक्ट कर दिए, जैसे कि मान लेते हैं अभी मैं ऐसे ही सेलेक्ट कर देता हूँ, तो मतलब गलत सलत ठीक है कर नहीं रहे हम सॉल्व, तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आप कैसे करोगे, कुछ भी कर दे रहे हैं ठीक है। बाकी अगर आप लोग कहोगे तो कल से मैं वन बाय वन मॉक टेस्ट को लगाना स्टार्ट कर दूंगा, आपको समझा समझा के। सबमिट कर दिया, अब देखते हैं कितना स्कोर किया है। अब 0 ही किया होगा, 1 सही हो गया गलती से। योर स्कोर इज लो, यू नीड टू वर्क अ लिटिल हार्डर, वर्क हार्ड यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। थैंक यू, देख रहे हो कितने अच्छे से बता रहा है, तो बता रहा है इसका आंसर 10 है, 9 नहीं, इसका आंसर 36 है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर 50 है, 150 है, ये वो, इन सब के आंसर भी बता दिए। और तुम्हारा जो रिजल्ट है वो कितना है, ओनली 10% है, बस एक ही सही है आपका। रीटेक क्यूज, अगर कोई बच्चा दोबारा से इसी क्यूज को करना चाहता है तो दोबारा से कर सकता है ठीक है। इस तरीके से आप क्यूज को लगाओ, और किसी को फिर भी प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन में, थोड़े बहुत तो देखो बच्चों ऐड आएंगे ही आएंगे ठीक है ना, इतना तो आपको वो इतना कुछ कर रहे हैं तो बेचारे दे रहे हैं, तो आपको वैसे भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है या फिर फालतू के काम करने, तो आप यहाँ से लगा सकते हो और फिर दोबारा से कर सकते हो, फिर दोबारा अपने चेक कर सकते हो अपने लेवल की कहाँ पर हो। ऐसे करते करते आप वन बाय वन सारे मॉक टेस्ट लगा सकते हो ठीक है। वन डे में वन लगाओ ठीक है। ये देखो मैथ के बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट दे रखे हैं इन्होंने, 70 मॉक टेस्ट ये अभी चल रहे हैं, जो चल रहे हैं सेक्शनल मॉक टेस्ट चल रहे हैं ठीक है। देखो टू टाइप्स के मॉक टेस्ट होते हैं, एक होता है फुल लेंथ मॉक टेस्ट। फुल लेंथ मॉक टेस्ट में क्या होता है, उसमें तीनों सेक्शन रहेंगे, मैथ भी रहेगा, हिंदी भी रहेगा, मैथ भी रहेगा, हिंदी भी रहेगी, हिंदी या इंग्लिश भी रहेगी और रीजनिंग भी रहेगी। और एक होता है सेक्शनल मॉक टेस्ट। सेक्शनल मॉक टेस्ट में क्या रहेगा, मैथ का है तो बस मैथ का ही रहेगा, हिंदी का है तो केवल हिंदी का रहेगा, इंग्लिश का है तो केवल इंग्लिश का रहेगा, रीजनिंग का है तो केवल रीजनिंग का रहेगा। तो अभी हम सेक्शनल मॉक टेस्ट देख रहे हैं, तो समझ में आ गया, इतने सारे मॉक टेस्ट हैं, आप किसी पे भी जाइए, किसी पे भी क्लिक कीजिए, किसी को भी अटेंड कीजिए। अच्छा मेरा एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे मॉक टेस्ट ये है 21 और इसमें क्वेश्चन है 10, तो यहाँ पर ये जो टाइम चल रहा है, टाइम चल तो रहा था एक मिनट, टाइम चल रहा है 20 मिनट्स का, अभी देखो दिखाता हूँ, 20 मिनट्स का टाइम चलता है ना, 20 मिनट्स का जो ये जो टाइम चल रहा है ना, तो आपको ये सोचना है कि इसे आप 7 to 8 मिनट्स में कर दो इन 10 क्वेश्चन को ठीक है। 20 मिनट्स के अकॉर्डिंग करोगे तो फिर बात नहीं बन पाएगी बच्चों ठीक है। मान लो एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 12 मिनट्स में आपके क्वेश्चन हो जाने चाहिए ठीक है, और उसमें भी स्कोर बढ़िया आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है तो आप इम्प्रूव कर सकते हो ठीक है। तो ये है, और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से जाके व्हाट्सअप पे ऐड हो जाइए, उस वहाँ से आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा, आप मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। पर्सनल मैसेज बस पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए, बाकी फालतू की बातों से नहीं। अब चलते हैं, मैथ मॉक टेस्ट देख लिया हमने, हम चलते हैं रीजनिंग के मॉक टेस्ट पे। जब हम रीजनिंग पे जाएंगे तो रीजनिंग के मॉक टेस्ट कम है, बट कोई इशू नहीं है, कम है तो क्या होगा, बहुत है। तो रीजनिंग के लिए आप यहाँ से जाएंगे, इसमें भी सेम वही वाली बात है कि आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, ये 10 क्वेश्चन हो गए और यहाँ 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ पे सेलेक्ट वो कर दिया, सबमिट कर दिया, इससे भी आपका स्कोर पता चल जाएगा ठीक है। तो वन बाय वन इसमें भी जा सकते हो आप ठीक है, मैं जाके दिखा दे रहा हूँ। मॉक टेस्ट 3 में जाइए, फिर यहाँ से कीजिए, लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो आप ठीक है, इस तरीके से कोई दिक्कत भी, बैक करते हैं। तो मैथ का मॉक टेस्ट लगाना आप सीख गए, रीजनिंग का मॉक टेस्ट कहाँ से लगाओगे। अब चलते हैं लैंग्वेज मॉक टेस्ट पे, लैंग्वेज मॉक टेस्ट पे जाते हैं, तो आपको लैंग्वेज मॉक टेस्ट 1 पे सेलेक्ट करते हैं ठीक है। तो वही वाली बात, यहाँ पे एक आपको गद्यांश दे रखा है हिंदी में, अब ये दे रखा है 10 मिनट में, ये सही दे रखा है क्योंकि इसमें अगर 5 ही हैं तो गलत दे रखा है, 5 ही हैं ओनली ठीक है। इसमें अब इंग्लिश वाला मॉक टेस्ट ले लिया, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिए इंग्लिश की, हिंदी करनी है तो हिंदी कर लीजिए ठीक है, अनुच्छेद आ गया, कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ पे 10 मिनट्स दे रखे हैं, तो आपको ये मानना है कि 5 to 6 मिनट्स में आपका एक गद्यांश हो जाना चाहिए ठीक है। ज़्यादा मतलब, मगर ये चीज़ें प्रैक्टिस से होंगी, आप फर्स्ट टाइम करिए तो सोचिए इतने टाइम में हो जाए, धीरे 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 टाइम लगेगा बट हो जाएगा। बाकी हिंदी में अनुच्छेद कहाँ से करने हैं, और रीजनिंग मैथ इंग्लिश के लिए आपको पैसेज कहाँ से लगाने, इंग्लिश के लिए पैसेज कहाँ से लगाने, उसके लिए मैं एक और साइट बता दूँ आपको, वहाँ पर बहुत सारे क्या कहते हैं वो कहते हैं पैसेज आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर तो कमी है ठीक है। तो आप बैक करते हैं, और यहाँ तक 6 तक दे रखे हैं तो आप लगा सकते हो।
अब लैंग्वेज वाले भी आपने लगा लिए, ठीक है, यानी तीनों मॉक टेस्ट आपने लगा लिए, तीनों सेक्शन के सेक्शनल मॉक टेस्ट हो गया। तो ये जो पहला जो कॉलम दे रखा था, मतलब पहला जो पॉइंट था नवोदय मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट समझ में आ गया आपको, नवोदय मॉक टेस्ट का मतलब है सेक्शनल मॉक टेस्ट कौन कौन से लगाने हैं। अब चलते हैं नवोदय मॉडल पेपर पे, जो नवोदय मॉडल पेपर है तो उसमें क्या करेंगे। नवोदय मॉडल पेपर आपको कैसा चाहिए, यानी कि वही फुल लेंथ टेस्ट हिंदी में चाहिए या फिर आपको इंग्लिश में चाहिए, आपको मान लेते हैं हिंदी में चाहिए। तो हिंदी में पेपर सेट ए वाले पे चलते हैं, ठीक है, पहले मॉक टेस्ट पे। तो अब ये देखो ये आ गया, अब यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है, फर्स्ट ये दे रखे हैं 80 के 80 क्वेश्चंस, ये देखो दे रखे हैं यहाँ पर, ये दे रखे हैं, ये आ गए मैथ, रीजनिंग खत्म हुई मैथ आ गई, मैथ खत्म हुई हिंदी आ गई, ये आ गई और ये हो गए 80 क्वेश्चंस। 80 क्वेश्चंस होने के बाद आप खुद कर लो, करने के बाद ये रहा आपका क्या कहते हैं PDF आंसर की को सिलेक्ट कर, चेक कर लो कि आपने कितना स्कोर किया, बस ऐसे करना है, पैक करो फिर चलो। नव अब ये वाला देख लेते हैं, नवोदय सेट WW वाला, W का, फिर यहाँ से भी 80 के 80 क्वेश्चंस कर लीजिए और फिर आप इसकी मतलब चेक करने के बाद बस ईमानदारी से रहना है, आंसर की को नहीं देखना है। फिर इतना करने के बाद अब ये देखो सबसे बेस्ट है 80 है, 80 को कर दिया, उसके बाद चेक योर आंसर चेक कर लो फर्स्ट, अच्छा सबसे बेस्ट है ये तो ना। वो अब जो आपने उसमें भरे हैं OMR शीट में भरा है वो सारे इसमें फिल कर दो ना, वो करने के बाद फिल कर लिया, सबसे बेस्ट है ये वाला, तो WW वाला मॉडल, उसके बाद सबमिट कर दो, फिर देखो तो आपका स्कोर क्या है ना बेस्ट, देखो आ गया ना मज़ा, चलो थैंक यू बोलो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, समझ में आ गई। तो मॉडल पेपर आपने लगा दिया, APR हिंदी, ये सारे मॉडल के कोड देखे, देखो चार मॉक मिल गए फ्री में, हिंदी है, अब ये इंग्लिश में चल लो, इंग्लिश में अभी दो मिल रहे हैं, ठीक है, तो अब बैक करते हैं, इंग्लिश के भी मिल गए। अब चलते हैं नवोदय मॉडल पेपर कर लिया, नवोदय मॉक टेस्ट कर लिए, नवोदय मॉडल, अब नवोदय ओल्ड पेपर में चलो, इसमें भी आपको मिलेंगे, इसमें भी 2021 का मॉडल टेस्ट पेपर मिल गया, 2020 का मिल गया, 2020 का सेकंड फेज का मिल गया, 2013 का मिल गया, 2013 का सेकंड फेज का मिल गया, यहाँ पर भी आपको चार मॉक मिल गए, ये देखो मिल रहे हैं, यहाँ पर करियो करो आप तो यहाँ पर भी मिल गए। अब यहाँ पर भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल सकते हैं, कहाँ गया नवोदय ओल्ड पेपर में, ठीक है, आ गई बात समझ में। अब बैक करो, नवोदय वेब सीरीज़ में चलते हैं, नवोदय वेब सीरीज़ तो बहुत ही बढ़िया है, इस ये जो है ना वेब सीरीज़, इसमें क्या करेगा, एक वो दे देगा, इसमें मैथ भी दे देगा, रीजनिंग भी दे देगा, हिंदी भी दे देगा, ये देखो अभी क्या दिया आपको, रीजनिंग दिया है, रीजनिंग है, आगे चलते हैं, रीजनिंग हो गई, अच्छा रीजनिंग ही है, ठीक है, ये देखो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, अच्छा वेब सीरीज़ में क्या हुआ, इसमें भी अलग से क्वेश्चन है, नवोदय वेब सीरीज़ हो गई। अब देखो सेवन्थ वेब सीरीज़ में चलते हैं, इसमें भी रीजनिंग ही है, एक मिनट रुको, एपिसोड 2, इसमें भी रीजनिंग ही है, नवोदय वेब सीरीज़, एक मिनट रुको, ये आ गया ना, मतलब नवोदय जो वेब सीरीज़ है उसमें कभी रीजनिंग है, कभी हिंदी है, कभी इंग्लिश है, कभी मैथ है, ठीक है, तो आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो जो मैं कह रहा था वहाँ पे कम है, यहाँ पे कम नहीं है, यहाँ पे बहुत बढ़िया दे रखे, यानी नवोदय वेब सीरीज़ को भी आप अच्छे से यूज कर सकते हो, है कि नहीं। ये देखो नवोदय वेब सीरीज़ 15 में चलते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिंदी यानी कि लैंग्वेज है, लैंग्वेज जब बोलते हैं तो ये समझ जाओ हिंदी और इंग्लिश दोनों। नवोदय वेब सीरीज़ एपिसोड जो 8 है उसमें ये देखो क्या आ गया, मैथ आ गई, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, दोनों में है। प्राइम फैक्टराइजेशन बताने 13,500 के, इतनी बात समझ में आ गई, इस तरीके से करना है, कोई दिक्कत तो नहीं। बैक करते हैं, बैक करो, अब देखो नवोदय मॉक टेस्ट मैंने समझा दिया जिसमें आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट मिल रहे हैं मैथ के, रीजनिंग के और हिंदी के। नवोदय मॉडल पेपर बता दिया जिसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे फुल लेंथ वाले। नवोदय ओल्ड पेपर बता दिया उसमें भी आपको फुल लेंथ के मिलेंगे। नवोदय वेब सीरीज भी बता दी। अब नवोदय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तीनों लैंग्वेजेस के हैं, ठीक है, ये देखो मैथ के इंपॉर्टेंट लैंग्वेज आ गए, ठीक है, नवोदय के मैथ के आ रहे हैं, अभी आए, बस इतने ही क्वेश्चन है क्या, हाँ इतने क्वेश्चन आ गए यहाँ तक, ठीक है, वॉल्यूम 1 है ये, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे आ गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आ गई बात समझ, नवोदय मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, 32 कितने सारे दे रखे हैं, देख रहे हो, नवोदय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए।
अब चलते हैं नवोदय नोट्स पे। नवोदय नोट्स में ये है, मैथ के नोट्स चाहिए तो मैथ के नोट्स ले लो। अब नवोदय मैथ के नोट्स हैं, नोट्स को रहने देना, कोई मतलब नहीं है इसका ज़्यादा, ठीक है। काम का टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा, आप बस यूज़ करो। लैंग्वेज नोट्स हैं, लैंग्वेज नोट्स को भी रहने देना, ठीक है। यहाँ पे ये देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपको सही लगे तो, वैसे तो अच्छा दे रखा है उन्होंने बनाया तो बेस्ट ही होगा। नवोदय 26 OMR सीट, OMR सीट देख लो। न्यू OMR सीट कौन सी है, आपको न्यू OMR सीट डाउनलोड करनी है या फिर ओल्ड OMR सीट डाउनलोड करनी है। इस टाइप की है न्यू OMR सीट, ठीक है। ये वाली ये सारी चीज़ें फिल करनी आनी चाहिए आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो ये यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। नवोदय एक मिनट, डाउनलोड न्यू OMR सीट, OMR सीट ABC इतनी सारी दे रखी है, किसी को भी आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत है, इस तरीके से आप नवोदय की OMR सीट को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आज मैंने आपको समझाया कि नवोदय के मॉक टेस्ट, नवोदय के मॉडल टेस्ट पेपर बच्चे कहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मतलब हेल्प मिलेगी, और आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी, और आप बहुत अब बाकी बच्चों से आगे लीड करोगे, ठीक है। बहुत ही ईजिली आप एग्ज़ाम को क्रैक करोगे, ठीक है। ठीक है, मोबाइल नहीं चलाना चाहिए मानते हैं, मगर बच्चों जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ तो हमें यूज़ करना ही होगा, ठीक है। नवोदय मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट को आपको लगाना है तो आपका एग्ज़ाम का लेवल आपको एकदम पता करना है तो यहाँ से कर सकते हो, एकदम लगाओ, ना कोई दिक्कत ना कुछ। अब बुक्स में क्या होता है, कई बार गलत होता है, यहाँ पे कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, खुद लगाओ, खुद चेक करो, बस ईमानदारी रखनी है अपने पास। एक मॉडल टेस्ट पेपर लगाओ और आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो कि आपके मार्क्स कितने आए, और बाकी बच्चे भी शेयर करेंगे तो आप अब वहाँ पर भी देख सकते हो कितने बच्चे आपसे आ गए। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी ऑफलाइन तो आप लगा ही रहे हो, ऑफलाइन लगाते ही रहिए, तो देख लीजिए। मॉक टेस्ट में दोबारा बताया तो सेक्शनल वाइज है, मॉडल पेपर में पूरा के पूरे क्वेश्चन पेपर वाइज है, और ओल्ड पेपर में पूरा का पूरा फुल लेंथ टेस्ट है। वेब सीरीज में पता ही है सेक्शनल है, उसमें भी मैथ, रीजनिंग और हिंदी का तीनों अलग अलग दे रखा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में मैथ के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। OMR सीट मैंने बता दिया, नवोदय नोट्स में उन्होंने नोट्स बना के दे रखे हैं बच्चों को, तो बहुत बढ़िया वेबसाइट है। तो सारे बच्चे विजिट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वेबसाइट को चेक कीजिए, और सारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट को बढ़ाइए, और ये वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इनकी भी हेल्प कीजिए, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा फेमस कीजिए। आ गई बात समझ में सही बच्चों को? बाकी हमारी वीडियोस को देखते रहें, हम आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, ऐसी न्यू जानकारी जानने के लिए। अगर आप जानना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, और हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दें। तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपको कैसे लगी है। तो प्लीज़ कमेंट सभी बच्चे करेंगे, ठीक है, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है, डिसलाइक कोई नहीं करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, ये आपका अपना चैनल है तो ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से कह कह के सब्सक्राइब करवाइए, और उन्हें और उनके बच्चों को जो भी पढ़ने वाला है उनको दिखाइए। ज़रूरी नहीं है जो नवोदय की तैयारी कर रहा है वही हमारी वीडियोज़ को देख सकता है, कोई भी देख सकता है, ठीक है। तो 7th, 8th, 9th में भी ये टॉपिक रहते हैं, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, तो वो सब रट्टा ही मारेंगे, इतना अच्छा लेवल उन्हें आता नहीं है, तो ये देखेंगे तो बिल्कुल बेसिक से क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।